क्या इस मैच में एक बार फिर से अच्छी प्रदर्शन कर पाएंगे जो कि लगातार अपने टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्वयं तक का सफर यहाँ पर तय किया सुल्तानपुर में स्वयं की बदौलत। यहाँ पर फाइनल मैच में भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, पहली बॉल पर चौके से खाता खोल चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ एक बार फिर से थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए एक खिलाड़ी को टीम पॉइंट बाउंड्री पर रखा है ऑफ साइड में। हेडमैन को इस समय लीड पर किया जा रहा है जो कि हेडमैन बाउंड्री लाइन पर है, तो खिलाड़ी जो आउट साइड में इस समय बाउंड्री लाइन पर है। मैं आपके बल्लेबाज के लिए इस ओवर की अगली गेंद का जारी समय बाद यहां से ओवर को बिके इस बार लेकिन इस बार गेंद निकाल दिया और निश्चित रूप से अगर शोक यहाँ पर जम गए तो आज भी सोना के गेंदबाजों के लिए कहा जाए। यहाँ पर हर चौके पर पुलिस मोबाइल लगाया गया है पप्पू भाई भालीपुर की तरफ से। यहाँ पर दो चौके लग चुका है स्वाइप कर दिए और पप्पू भाई चौका लगाइए लगातार दो चौका इस समय स्वाइप के बल्ले से और हर लगातार दो चौके लगाएंगे क्योंकि एक गेंद बाउंस हो गई थी। पप्पू भाई की तरफ से प्रधान है उनके तरफ से 51 रुपए और चौकों की हैट्रिक लगाएंगे जो पप्पू भाई की तरफ से 101 रुपया। और इस बार करने की कोशिश भाग सारी लेकिन गेंद में बल्ले का किनारा नहीं लिया उनका खतरे में फंस सकते थे तो लेकिन भाग इस समय सुल्तानपुर के पास अभी भी स्कोर है सुल्तानपुर का और ऐसे से नुकसान का जो आग अभी तक आया है तो बाउंड्री के सहारे है। पहली बाउंड्री लाउंड के एरिया से दूसरी बाउंड्री पॉइंट के एरिया से निकली है शोएब के बल्ले से। शोएब काफी अच्छे फॉर्म में आई पड़े हैं इस राउंड पर उन्होंने पिछले मैच में शतक मार भाई क्या और इस बार जब भी है खेला है गेंद को खड़ गए गेंद में खिलाड़ी रहा बल गेंद में खुद मौजूद है गेंद को फील्ड किया गया लेकिन इस बीच बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन लेने का और इस एक रन के साथ स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के पहली बार स्ट्राइक रेट पर सामना करेंगे इमरान गेंदों का आयुष पर स्ट्राइक रेट पर है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस समय विकेट के ऊपर साफ दिखाई पड़ता हुआ आयुष राइट हैंड बल्लेबाज है तो इस लेफ्ट हैंड और हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर बाजी खान हमारी कमेंट्री का इस्तेमाल करती है। आए हैं अपने मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर जो कुछ हो पीछे ग्राउंड खाली है यहाँ पर खड़ा कर खड़ी कर दे पाई क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ये रोड है चालू रोड है काफी आवागमन है इस रोड पर इसलिए जो मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी किए हैं वो हटा ले रोड से ज्यादा फरमानी होगी क्योंकि रोड पर ही दर्शक भी रहेंगे और अगर गाड़ियां रहेंगी तो काफी दिक्कत होगा। मुकाबला चल रहा है इस समय सुल्तानपुर बनाम कैसौला के बीच। पहले ओवर का खेल इस समय समाप्त हुआ टोटल रनों की संख्या 9 10 10 रन इस समय बगैर किसी नुकसान के अच्छी शुरुआत यहाँ पर पहले ओवर में इमरान की बात की जाए अभी तक इसके पहले जितने भी मैचेस इमरान ने खेले पहले ओवर में विकेट निकाला था लेकिन आज उनके सामने यहाँ पर अलग चुनौती है। फाइनल मैच है
अलग टीम अलग यहाँ पर बल्लेबाज। तो पहले ओवर में इमरान ने 10 रन लिए हैं, चार ओवर का जो मैंडेटरी पावर प्ले है, देखना है उस पावर प्ले में कितने रन जोड़ पाते हैं यहाँ पर बल्लेबाज। यहाँ पर इस समय में थोड़ा सा समय रहता है बल्लेबाज के पास, थोड़ा समय ले सकते हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना है दूसरे एंड से समझो की कमेंट्री बॉक्स छोर से देखना गेंदबाजी किसको ली जाती है। अभी क्या गेंद हाथ में दिखाई दे रही है दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। अतीक को बुलाया है कैप्टन नसरत ने, अंपायर से कुछ विचार विमर्श चल रहा है, बल्लेबाजों का भी कुछ उनसे पूछा गया और अब संतुष्ट बल्लेबाज के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। और अभी बुलाया गया है दूसरे स्ट्राइक के गेंदबाज के रूप में उन्होंने छोर से दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। और अभी तक चार मैच जो हुए हैं सुल्तानपुर के उसमें स्वयं तीन बार आउट रहे हैं, केवल एक बार पिछले मैच सेमीफाइनल मैच में आखिरी ओवर में आउट हुए थे। स्वयं के ही कंधों पर तारों बना है टीम का, अगर उनका बल्ला चल गया इस ग्राउंड के ऊपर तो रनों की बारिश हो सकती है, लेकिन अतीक आए हैं इस समय बॉलिंग करने के लिए, जो फील्ड व्यू रचना लगा के रखी गई है। लेकिन अभी भी कुछ न कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। और दर्शक की कमेंट्री बॉक्स के सामने जो मंच बना है उस तरफ नहीं बैठे हैं कोई भी दर्शक, हमारी चोटी भारत की है। अंपायर क्या समस्या है, मैच को रोक दिया गया है, समस्या क्या है? हेलो, शीशा शायद किसी मोटरसाइकिल का शीशा है, उसको नीचे कर दिया जाए क्योंकि होश नहीं उसकी, ग्राउंड में जा रही है, जिससे कि बल्लेबाज पिछले छोर हो रहे देसी भाषा अगर कहा जाए जाकर जो ही लगा रहा है। तो दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स ओर से अतीक, सामने बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष स्ट्राइक ले रहे हैं। अब तक पहले ओवर में कुल मिलाकर 10 रन जोड़े गए हैं। अतीक तैयार है बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने तो छोर से और उनके सामने बल्लेबाज बल्लेबाज आयुष तैयार है खेलने के लिए, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट वालों के पहले और इस बार बैटर का सामना करते हैं तो श्रीमान एक बार फिर से स्ट्राइक स्वयं के पास आती हुई सिग्नल के साथ यहाँ पर आयुष ने देखा कि बल्लेबाज इस समय अच्छी फॉर्म में है, उनको स्ट्राइक दी जाए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा। और इस ओवर की अगले और दर्शकों के लिए यहाँ पर कैश पर इनाम लगाया गया है बब्बू भाई प्रधान की तरफ से, कोई भी दर्शक ग्राउंड के बाहर एक हाथ से कैश पर आता है 100 रुपए और दोनों हाथ से 51 रुपए। इसलिए इस ओवर की अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार है और भी इनाम यहाँ पर बब्बू प्रधान की तरफ से आज बब्बू की गली लेकर बैठे हमारे बीच में हमारे ग्राम प्रधान इस समय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे इस ओवर की अगली गेंद के साथ। और इस बार शॉट ऑफ लग गया थी अब इस तक के बाहर कट करने का प्रयास किया डॉट पर लगातार 3 छक्के पर भी बब्बू प्रधान की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे, हर छक्के पर 51 रुपए लगातार विकेट की हैट्रिक पर यहां पर 500 रुपए दिए जाएंगे, 2 चौके पर 51 रुपया और 3 चौके लगातार मारते हैं तो 251 रुपए ये यहाँ लगाए गए हैं बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऊपर लगातार इस समय बब्बू प्रधान की तरफ से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए फाइनल मैच में। और ऑलरेडी बब्बू भाई बालीपुर की तरफ से 8 चौके पर 21 और 56 लगाया गया है, 2 चौका स्वयं लगा चुके हैं 42 रुपए जीत चुके हैं। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बैटर बैट को साथ आते हुए गेंद को खेला, शॉट ऑफ लग गेंद की गेंद को खेला, कवर के साथ गेंद को फील किया गया, रनों की संख्या में कोई इजाफा नहीं, टोटल रनों की संख्या अभी भी इस समय सुल्तानपुर की
किसी नुकसान के दूसरा ओवर इस समय करती बहुत शोर से गेंदबाजी की जा रही है। इमरान ने पहले ओवर में 10 रन लिए, यहाँ पर अति दूसरे ओवर की गेंदबाजी करते हुए पहले विकेट की तलाश यहाँ पर भाईसोना टीम को। अच्छी गेंदबाजी है भाईसोना के पास, यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि सुल्तानपुर की बल्लेबाजी के सामने यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी होती है। और इस बार लगातार दो अतिरिक्त रन मिलते हुए टीम सुल्तानपुर को सुल्तानपुर और भाईसाना के बीच एक दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ इस समय समझिए इस ग्राउंड पर। अभी के बाद फिर उनके सामने सुरेश जो कि खुखार बल्लेबाज डाले जाते हैं और इस बार बल्लेबाज आया लेकिन धक्का खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर कदम लेते हुए विकेट की मदद सुरक्षित स्थान होने वाले दर्शक यहाँ पर ग्राउंड पर चारों तरफ इस समय स्पष्ट ग्राउंड भरा हुआ। अगली गेंद इस बार मौका मिला शॉट अब स्टंप के बाहर किसी की लाइन में मौका पास हो गया है एक को सिर्फ बाहर से पकड़ लेंगे क्या जबरदस्त शॉट स्वयं ही सेम ऐसा लग रहा है कि शो से यहाँ पर चलने वाला है शुरुआत तो कर दी है तीन चौके लग चुके हैं कि दूसरा ओवर चल रहा है स्वयं के मजे से ही तीनों को उम्मीद नहीं है कोलकाता के सुल्तानपुर की 17 रन इस समय दूसरा ओवर चल रहा है। अच्छी शुरुआत यहाँ पर देने की कोशिश में दोनों बल्लेबाज स्वयं यहाँ पर लगातार चौके लगाए यहाँ पर बिल्कुल विश्वास के साथ खेला गया शॉट इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मौका मिला और उस पर चौका जला इस समय कवर पहुंचने के बाहर का मौका था यहाँ पर और स्वयं आपको मौका देंगे नहीं मौका बनाने मौके को तब्दील करना होगा कैच में यहाँ पर अधिक ने बड़ी गलती की। हालांकि देश भारत का साथ नहीं था लेकिन फिर उनके हाथों से टकरा गई थी एक रन मिला ओवर समाप्त हुआ जीवन दान भी आप दे सकते हैं स्वयं को। और जो रोड भाई बाइक खरीदी है साउथ साइड में गले रूबी आने जाने वाले वाहन को दिक्कत ना हो आप दर्शक जो रोड के ऊपर मोटरसाइकिल खरीद के हो इनको भी आने जाने से दिक्कत हो रही होगा वॉलंटियर जाकर फिर हटाएंगे आप मोटरसाइकिल खरीद के पैसा मत लें ज्यादा बेहतर होगा पहले ओवर में 10 रन दिए थे इमरान लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है अब तक ये ग्राउंड को आस आया है 8 विकेट अब तक इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं इमरान जहाँ पर फाइनल मैच है बड़ा मुकाबला है अच्छी गेंदबाजी करती होगी विकेट निकालने होंगे जिस तरह से सेमीफाइनल मैच में अच्छी गेंदबाजी की टीम रात में अब देखना दिलचस्प होगा स्वयं यहाँ पर पहले ओवर में रात में दो चौके जड़े थे थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर बल्लेबाज को कुछ अंपायर को हिदायत इस समय बातचीत करते हुए दो अंपायर जो इस समय ग्राउंड पर देखे जा रहे हैं अच्छी अंपायरिंग रही है बेहतरीन टूर्नामेंट इस बार यहाँ पर
आयोजन किया गया। अब इस बार कहा जाएगा यहाँ पर टूर्नामेंट और अच्छी दर्शक यहाँ पर फाइनल मैच में आप देख सकते हैं चारों तरफ इस समय मैदान दर्शकों से भरा हुआ है। क्या खूबसूरत लड़ा है स्वर्गीय सत्यनारायण गुप्ता देवे ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला इस समय दोनों ही काजल बड़ी टीमें इस समय आपस में भिड़ रही है खिताब की जंग में। एक नई चैंपियन हिम्मत वापस मिलने वाली है लिम्रा कप को। हर बार काजल एक नई चैंपियन टीम रहती है लिम्रा कप में और इस बार भी दोनों टीमें पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। कौन सी टीम के हाथ की रोशनी लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस समय खेल अभी कुछ देर के लिए रुका हुआ है। इस समय थोड़ी सी समस्या है बल्लेबाज को। तो इस समय एक बार फिर से बता दूं कि इसमें बब्बू भाई जो कि बर्मा यहाँ पर हमारे ग्राम सभा के लगातार खिलाड़ियों का यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए हर शक्के पर फाइनल मैच में 51 रुपए का इनाम लगाया है। लगभग 56 करोड़ रुपए मिला है लगातार जो दौड़ लगाते हैं तो 101 रुपए और लगातार 3 चौके पर 251 छक्कों की है एक पर 500 विकेट की है कि एक पर 500 और दर्शकों के लिए ग्राउंड का बाहर एक हाथ से मैच पकड़ने पर 100 और दोनों हाथ से 51 रुपए ये दर्शकों के लिए इनाम। और पप्पू भाई बालीपुर की तरफ से ऑलरेडी 8 चौके पर 21 और 6 छक्के पर 51 रुपए। तो खिलाड़ियों का लगातार उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद है पप्पू भाई भी इस समय और पप्पू भाई भी इस समय नंबर विकेट लेकर बैठे हुए कमेटी बॉक्स पर। हालांकि अभी तक इनाम हासिल नहीं कर पाए पप्पू भाई के हाथों से कोई भी बल्लेबाज। स्वयं ने चौके लगाए जरूर है लेकिन उसके लिए गोल्ड भी कर ली है लगातार 2 चौके पर और लगातार हैट्रिक चौके पर और हर छक्के पर भी लगाया है। छक्का तो अभी कोई भी नहीं देखने को मिला है इस पारी में लेकिन देखने को मिलेंगे दोनों टीमों में बड़े बल्लेबाज है यहाँ पर। तो खेल अभी भी रुका हुआ है कुछ यहाँ पर समस्या है का 2021 लोकल 18 जनवरी को यहाँ पर शुरू हुआ था। यहाँ पर पिच के मीटर की बात की जाए तो मैदान यहाँ पर जो कि समाजवादी युवा नेता है इरफान भाई फरहान यहाँ पर लगातार 2 महीने से इस ग्राउंड को तैयार किया गया और एक खूबसूरत विकेट लिम्बा का की ताकि इस बार बैटिंग विकेट बनाई गई है। और भैसौना के जो कैप्टन है भाई नसरत भाई आप आलम को इस समय बाहर कर दें क्योंकि वो मैच खेल चुके हैं किसी टीम से। अंपायर थर्ड अंपायर खालिद भाई ने ऐसी जानकारी दी है कि आलम यहाँ पर क्रिकेट खेल चुके हैं जिसके कारण देखा था